मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले सैयद जफर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई है। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जफर ने भाजपा प्रवेश के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास, उससे प्रभावित होकर आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में विकास कार्यों को कर रही है वह काफ़ी सराहनीय है। सैयद जफर के भाजपा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लगातार वृद्धि हो रही है, इस पूरे अभियान के नरोत्तम मिश्रा सूत्रधार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस से भाजपा में आए सभी लोगों का स्वागत किया। सबका विकास का जो नारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने दिया, आज उसी नारे पर बड़ा मंथन करने के बाद, चिंतन करने के बाद, बंटी भाई, आदरणीय बीडी शर्मा जी, आदरणीय आशीष अग्रवाल जी, अन्य नेताओं से चर्चा करने के बाद ये फैसला हमने किया कि जो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, जिसको लेकर उनकी प्रशंसा पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है, उसी पर पूर्ण विश्वास करते हुए आज मैं मोदी जी के परिवार में शामिल। आप लंबे समय तक कांग्रेस में भी रहे, आपने कांग्रेस नेताओं से बात की, मैं 30 साल पहले मैंने एनएसयूआई की राजनीति की शुरुआत छिंदवाड़ा जिले के ब्लॉक से की थी। उसके बाद मैं एनएसयूआई का प्रदेश प्रवक्ता रहा, उसके बाद मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य रहा, उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस का प्रवक्ता रहा प्रदेश का, उसके बाद मैं कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता रहा, उसके बाद मैं मीडिया कमेटी का उपाध्यक्ष रहा, उसके बाद मैं अभी वर्तमान में कांग्रेस की वचन पत्र समिति के महत्वपूर्ण 7 सदस्यों का सदस्य रहा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।